बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने माउस और कीबोर्ड इवेंट्स की डिटेल्स देखी थी और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको फाइल मैनेजमेंट के बारे में कुछ मालूम जरूर हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मैनर से कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करते हैं और वो मैनर कहलाता है फाइल्स। दोस्तों, फाइल्स के का नाम आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जब टीचर आपको एक ऐसे लिखने को देती है अबाउट योर स्कूल स्पोर्ट्स डे एज अ असाइनमेंट, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत सारे पेजेस पर एक ऐसे लिखेंगे और लिखने के बाद उन तमाम एक जैसे पेजेस को फाइल में रखकर टीचर को दे देंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में फाइल क्या है? अ फाइल इज बेसिकली अ चंक विद सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा। यानी जब कंप्यूटर में आप एक ही टाइप के डेटा को एक जगह रख देते हैं तो वो कहलाता है फाइल। और इससे हमें एक और बात पता चली कि कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल्स वगैरह। और इन तमाम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि यूजर को आसानी हो इन तमाम फाइल्स को एक्सेस करने में, खोलने में, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में फोल्डर्स। और फोल्डर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने आपकी क्लास को असाइनमेंट दिया था और आप हैं क्लास 11 के स्टूडेंट। अब अगर आपके कॉलेज में 11 क्लास के 5 सेक्शंस मौजूद हैं, 11 क्लास सेक्शन ए, 11 क्लास सेक्शन बी, 11 क्लास सेक्शन सी और टिल 11 क्लास सेक्शन डी, और हर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, विच मींस टोटल स्टूडेंट हो गए, तमाम स्टूडेंट्स की तादाद हो गई 350। और अगर टीचर तमाम क्लासेस में सेम असाइनमेंट देती हैं, तो अब जब तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स फाइल की शक्ल में टीचर को वो असाइनमेंट रिटर्न करेंगे, तो टीचर के पास होंगी 350 फाइल्स। और इन फाइल्स को टीचर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। मान ले टीचर को किसी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट पहले चेक करना है, तो उन तमाम 350 फाइल्स में से एक फाइल को ढूंढने में बहुत सा वक्त दरकार होगा। इसीलिए अब टीचर अपनी आसानी के लिए क्या करेंगी, वो सबसे पहले हर एक सेक्शन के लिए एक दराज बना लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ए के लिए दराज नंबर ए, सेक्शन बी के लिए दराज नंबर बी, और इस तरह हर सेक्शन के तमाम स्टूडेंट्स की फाइल्स को अलग अलग दराजों में, अलग अलग ड्रॉर्स में रख देंगी, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देंगी। क्यों? ताकि टीचर को उन फाइल्स को एक्सेस करना आसान हो, उन फाइल्स को ढूंढना आसान हो। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी फोल्डर कुछ नहीं होता, ये एक तरीके कार होता है जिसके जरिए आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फोल्डर क्या है? अ फोल्डर इज अ कंप्यूटर, अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज अ प्लेस यू कैन पुट फाइल्स। यानी कंप्यूटर फोल्डर एक दराज होता है, एक दराज की मानिंद होता है जिसमें आप एक ही टाइप की अलग अलग फाइल्स को रख देते हैं। जैसे अगर आप कहीं पिकनिक पर गए हैं और वहां आपने बहुत सी तस्वीरें ली हैं, तो हर एक तस्वीर कंप्यूटर में कहलाती है एक इंडिविजुअल फाइल। और जब आप उन फाइल्स को एक जगह करना चाहेंगे, ताकि बाद में जब आप उनको देखना चाहें तो आपको उनको देखने में कोई मुश्किल ना हो, उनको ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, तो आप उन सब फाइल्स को एक फोल्डर में रख देंगे और उस फोल्डर का नाम रख देंगे पिकनिक। यानी इस फोल्डर के जरिए आपने तमाम एक जैसी फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में रख दिया। और फ्रेंड्स, याद रखें, हर एक फोल्डर का कोई ना कोई नाम होता है और हर एक फाइल का भी कोई ना कोई नाम होता है, और हमेशा फाइल्स और फोल्डर्स के नाम उनके डेटा के मुताबिक ही रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे टाइप किया था स्पोर्ट्स डे पर, तो आप उसी के हिसाब से उस फाइल का नाम रख देंगे, विच इज स्पोर्ट्स डे एसए। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि किसी भी फाइल के नाम के दो पर्पस होते हैं। यानी अगर आप कोई फाइल है उसका कोई भी नाम रखते हैं, तो वो दो मकसद के लिए रखा जाता है। उसका जो पहला पर्पस है वो है यू एज अ यूजर आइडेंटिफाइड व्हाट दैट फाइल अबाउट। यानी पहला पर्पस तो ये है कि एज अ यूजर आप इजीली उस फाइल्स को उसके नाम के जरिए आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने पिकनिक वाली फाइल और फोल्डर्स को देखा था। और जो दूसरा पर्पस है वो है इट हेल्प्स टू कंप्यूटर
to recognize what type of file it is so it can knows what program it should do to open it. यानी कंप्यूटर में भी आसानी से उस फाइल्स को पहचान लेगा और उसी के हिसाब से उसको पता लगेगा कि इस फाइल में क्या प्रोग्राम रखा हुआ है और उसको किस सॉफ्टवेयर के थ्रू खोलना है. तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी फाइल नेम के दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट यूजर के लिए होता है विच इज अ फाइल नेम और जो दूसरा पार्ट होता है वो कंप्यूटर के लिए होता है विच इज कॉल्ड फाइल एक्सटेंशन जो कि फाइल नेम के आखिर में इस तरह का होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि इस फाइल की टाइप क्या है और इस फाइल का इस फाइल में क्या हो रहा है और कंप्यूटर को इस फाइल का करना क्या है. और ये देखिए ऑल फाइल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन यानी तमाम फाइल्स को कंप्यूटर उनकी एक्सटेंशन से पहचानता है. अगर इमेज फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन अलग होगी, अगर टेक्स्ट फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन अलग होगी. यानी हर एक टाइप के हिसाब से, हर एक फाइल टाइप के हिसाब से उसकी एक्सटेंशंस भी अलग अलग होती हैं. और दोस्तों ये देखिए व्हेन यू अटेम्प्ट टू ओपन अ फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट चेक्स इट्स एक्सटेंशन टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड इट परफॉर्म. मींस जैसे ही आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे ही फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उस फाइल का एक्सटेंशन देखेगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है स्पोर्ट्स डे एस ए डॉस डॉग डॉट डॉग्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक्सटेंशन को देखेगा जिससे उसे पता लगेगा कि ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है. फिर वो उस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर के जरिए ओपन करेगा और अगर आप अपनी फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे तो कंप्यूटर उस फाइल को ओपन नहीं कर सकता. विच मीन्स कि किसी भी फाइल का एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको इस फाइल के साथ क्या करना है. और डियर फ्रेंड्स ये तो हो गई फाइल और फोल्डर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. आइए जानते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को किस तरह मैनेज करता है. तो दोस्तों देयर आर फोर बेसिक फंक्शंस व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म टू मैनेज फाइल मैनेजमेंट. इसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो है टू एलोकेट स्पेस ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस when the file is created and to deallocate the space when a file is deleted. यानी जैसे ही आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी में जगह फराहम करता है और जब अगर आप उस फाइल को डिलीट कर देते हैं, अपने कंप्यूटर से मिटा देते हैं तो मेमोरी से भी उस फाइल को निकाल कर जगह खाली कर देता है. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसको मेमोरी में जगह देगा और जब आप उसको डिलीट करेंगे तो स्पेस को खाली कर देगा उसको वहां से निकाल कर. इसके बाद जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है टू कीप ट्रैक ऑफ एलोकेशन यूनिट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच फाइल. फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल बनाई वर्ड पर जो कि 512 बाइट्स की थी, तो जैसे ही आपने उसे सेव किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में उसको जगह एलोकेट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों बाद आपको उस फाइल में और डाटा एड करना पड़ा जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में स्पेस तो नजर आ रही है लेकिन उस फाइल के पास उसको स्पेस नजर नहीं आ रही, तो वो अगर कहीं और मेमोरी में उसको जगह मिलेगी तो वहां पर उस फाइल के रिमेनिंग पार्ट को, बचे हुए पार्ट को जो आपने एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड किया है उसको वहां रख देगा. और साथ के साथ जहां पर आपने उस फाइल्स को रखा है उनके एड्रेस को भी मेंटेन करेगा. यानी कीप ट्रैक ऑफ एलोकेटेड यूनिट्स यानी एक फाइल अगर अलग अलग एड्रेसेस पर पड़ी है तो उसका कीप ट्रैक भी करेगा, उनके एड्रेसेस भी मेंटेन करेगा. इसलिए दोस्तों अक्सर आप कोई फाइल ओपन करते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो मेमोरी में किन किन प्लेसेस पर रखी हुई है क्योंकि वो तो बिना वक्त लिए आपके सामने खुल जाती है. क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके एड्रेसेस अपने पास रखता है और जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हैं तो बिना वक्त लिए फाइल्स आपके सामने ओपन कर देता है. इसके बाद जो थर्ड इसका फंक्शन है वो है टू कंट्रोल फाइल एक्सेस राइट्स एंड परमिशन. फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सा कीमती सामान है और आप उस सामान को सिक्योर करने के लिए दरवाजे पर एक ताला लगा देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही डेटा आपका कीमती सामान है और फाइल है दरवाजा और डेटा को सिक्योर करने के लिए आमतौर पर फाइल्स पर राइट्स और परमिशन लगा दिए जाते हैं जिनके जरिए
सिर्फ वही लोग दरवाजा खोल सकते हैं जिनके पास चाबियां होंगी। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में वही लोग फाइल ओपन कर सकते हैं जिनके पास राइट्स और परमिशंस होंगी, जैसे कि जिनके पास पासवर्ड्स होंगे, यूजर नेम होंगे, आईडीज होंगी। और इसके बाद जो इसका फोर्थ और लास्ट फंक्शन है वो है टू मैप लॉजिकल फाइल एड्रेस टू फिजिकल डिस्क एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ड डिस्क है तो आप अक्सर एक डिस्क को मल्टीपल पार्टीशंस में ब्रेक करते हैं इस तरह से, जो कहलाता है ड्राइव्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक ड्राइव पर मौजूद फाइल्स के एड्रेस को भी मेंटेन करती है। तो फ्रेंड, ये था फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने सीखा कि फाइल और फोल्डर्स क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को कैसे मैनेज करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली आपको आपकी कंप्यूटर फाइल्स को मैनेज करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।